आज हम पनीर टिक्का की रेसिपी बनाएंगे। इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और खाने में ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं अपनी इस डिलीशियस सी रेसिपी को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे। एक बोल में दही लेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये नींबू है, नींबू का रस डालने से क्या है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सूखे मसालों में ये हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ये गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून ये काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ये जीरा पाउडर है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा चाट मसाला, इसको भी ऐड करेंगे। थोड़ी सी हींग है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कीजिए। थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से क्या है बहुत अच्छा सा कलर आएगा इसमें। ये हाफ़ टी स्पून के करीब काला नमक है, ये वाइट सॉल्ट है, इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। इसके बाद में ये 1 टेबल स्पून बेसन लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। सबसे लास्ट में ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको भी ऐड कर देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी मीडियम रखेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ना पतला करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रहना चाहिए। थोड़ी सी ये कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। इसको भी बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी है वो इसी तरीके की होनी चाहिए। एक बार आप लोग ज़रूर इस तरीके से पनीर टिक्का बना के देखिए। बहुत ही अच्छा पनीर टिक्का बनता है और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बैटर बन के एकदम तैयार है। यहाँ पर पनीर को पीसेस में कट करके डालेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके के बड़े बड़े पीसेस में पनीर को कट कर लेंगे। मैंने 250 ग्राम्स पनीर लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसी तरीके से सारे पनीर के क्यूब्स को बैटर में डाल देंगे। यहाँ पर ये कटी हुई सब्जियाँ ली हैं। थोड़ी सी ये लाल शिमला मिर्च है, हरी शिमला मिर्च है और थोड़े से प्याज है। इनको इस तरीके से कट कर लिया है, इनको भी डाल देंगे इस तरीके से। सब्जियों को भी बड़े बड़े पीसेस में ही कट करें, अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए हाथ से इसको मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बहुत आराम से इसको मिक्स करना है, नहीं तो जो पनीर के पीसेस हैं वो टूट सकते हैं। सब्जियों और पनीर पर बहुत अच्छे से कोटिंग करेंगे जो ये बैटर है इसकी। इसी तरीके से बहुत आराम से इसको कोट करना है। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से कोट हो चुकी हैं बैटर से। अभी इसको ढक के 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 20 मिनट के बाद में इसको चेक करेंगे। बैटर में सभी चीज़ों को कोट करके रखने से इनमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। इसके बाद इनको सेकने के लिए इस तरीके की कोई भी नुकीली सी चीज़ ले लेंगे। सबसे पहले इसमें आलू की स्लाइस लगाएंगे, जिससे कि जो भी पनीर के टुकड़े हैं और सब्जियां हैं वो इधर उधर खिसके नहीं। और सब्जियों को इस तरीके से उल्टी साइड से लगाएंगे, जिससे कि निकलने में आसानी होगी। इसी तरीके से पनीर के टुकड़े और सब्जियों को सेट कर लेंगे। एक बार ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए और बनाने के बाद में जो भी आपके एक्सपीरियंस हो आके ज़रूर शेयर कीजिए। इनको आप इस तरीके से भी सेंक सकते हैं और अगर आप चाहें तो तवे पे भी डाल के पलट के दोनों तरफ से सेंक सकते हैं। इसी तरीके से पनीर और सब्जियों को सेट कर लेंगे। ये देखिए पनीर और सब्जियों को अच्छे से सेट कर लिया है। अब सबसे ऊपर से आलू के एक स्लाइस और लगा देंगे, जिससे क्या होगा पनीर और ये सब्जियां जो भी हैं वो गिरेंगी नहीं। गैस को चालू करेंगे और गैस के फ्लेम पे डायरेक्ट इसको सेंक लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से आप भी इस डिलीशियस सी पनीर टिक्का की रेसिपी को आसानी से घर में बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।